हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू टेक्निक पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं कि यदि आप किसी कारणवश अपने ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमें इसे डिलीट करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले ट्विटर को ओपन कर लेना है और ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। और यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोफाइल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा योर अकाउंट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डीएक्टिवेट अकाउंट लास्ट वाला, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ आपको नीचे रेड कलर में दिख रहा होगा डीएक्टिवेट का एक ऑप्शन। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसे रीड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है You can restore your Twitter account if it was accidentally or wrongfully deactivated for up to 30 days after deactivation। मतलब ये कहता है कि अगर आपने गलती से इसे डिलीट कर दिया है तो आप 30 दिन के अंदर में इसे रिस्टोर कर सकते हैं, और अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डीएक्टिवेट करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर में आपको लॉगिन नहीं करना है। अगर आप 30 दिन तक लॉगिन नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद आपका ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, आपका जो भी पासवर्ड उसे आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ, जो भी हमारा पासवर्ड है। तो मैंने अपना पासवर्ड फिल कर दिया है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा डीएक्टिवेट का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद फिर आपको एक बार ये कंफर्म करेगा तो फिर से आपको यस डीएक्टिवेट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है आपका ऑप्शन योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड। आपको गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। अब आपको 30 दिन तक इसे लॉगिन नहीं करना है, इसके बाद आपका ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए।